हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। जैसे कि आप सबको पता है कि महाराष्ट्र बोर्ड ने 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस 25% रिड्यूस कर दिया है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन न्यूज़ मिलने के साथ साथ में हमको सिलेबस के बारे में पता भी होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज़ें रिड्यूस की गई है, क्या क्या चीज़ें सिलेबस से निकाली गई है ये साल के लिए। ये हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ करंट ईयर के लिए। इस सिलेबस में आपको चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, आपको सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना है ताकि आपका नॉलेज रहे आपके पास, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आने वाली स्टैंडर्ड्स मतलब आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये सब काम आएगा, सब चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना कि आपको क्या क्या रिड्यूस हुआ है और फिर वो आप मार्किंग कर लीजिए। मैं आपको टेक्स्ट बुक से आपकी बताते रहूँगा और फिर वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन कौन से लेसन्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं या पूरे मार्क्स दिला सकते हैं, 80 में से 80 मार्क्स दिला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लेसन्स भी मैं आपको मार्किंग करके दूंगा, वो आप उसको नोट डाउन कर लेना। चलिए सबसे पहले आते हैं आपके क्या क्या चीज़ें आपको रिड्यूस हुई सिलेबस में। तो आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पेज नंबर 1 और 2 पे आपको यू शुड नो दिया हुआ है। पेज नंबर 1 और 2 पे क्या दिया आपको? यू शुड नो दिया हुआ है। देखिए जैसे यहां पे मैंने आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये यू शुड नो है आपका हिस्टोरिकल रिव्यू, बराबर है। और ये डू यू नो, यहां तक मतलब ये जो आपके बुक पे ये चीजें आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, कट कर लेना आप लोग इसको। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के लिए काम आएगा, लेकिन इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पेज नंबर 3 और 4 पे, और दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 और 6 पे। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। यह है हम लोग का पेज नंबर 3 पे आएंगे तो हम लोग को देखिए ये इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यह आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग कट कर लेना उसके इंपॉर्टेंस। ठीक है, हाँ मतलब लेकिन पढ़ लेना समझने के लिए, क्योंकि आप लोग को आगे काम आएगा और उस पर ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। हाँ ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, क्योंकि क्या आएगा, एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके बनाएगा तो बहुत मुश्किल होता है कि वो एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव छोड़ सके, मतलब क्वेश्चन में नहीं देगा वो आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इसलिए इसको सुन लेना एटलीस्ट और उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह याद कर लेना। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आएगा। फिर आएंगे हम लोग तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आप लोग को। जितना भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, हाँ याद रखना। और यू शुड नो है, ये है हम लोग का डिस्टिंग्विश है, ठीक है ना, इसको बोला है। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि ये इसका डिस्टिंग्विश आप लोग याद करो, किसका? माइक्रो और मैक्रो का, इसको मत छोड़ो। किसका? ये जो इधर लिखा हुआ है ना कि इसको छोड़ने बोले आप लोग को, लेकिन इसको याद करो आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव बोलो, डिस्टिंग्विश में आ सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 1, क्या क्या रिडक्शन है आप लोग को। नेक्स्ट आएंगे हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें पेज नंबर 11 और 14 पे आपको बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 11 और 14 पे हम लोग आते हैं, आपका पेज नंबर 11 आपके सामने है, ये देखते हैं आगे आके 11, तो ये देखिए छोटी सी चीज़ दी आपको, ये आपको नहीं पढ़ना है, बराबर है। और पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 14 पे क्या है देखते हैं, पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, तो ये आपका यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये आपको एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये आप लोग को याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का लेसन नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। थर्ड ए लेसन है हम लोग का जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। क्या क्या है उसमें? डिमांड एनालिसिस, उसमें दो टॉपिक है 19 और 25 पे। तो चलिए लेसन नंबर 3 पे आ जाते हैं। लेसन नंबर 3 पे पेज नंबर 19 पे हमको बोला है कि कोई चीज़ हमको नहीं आएगी, तो पेज नंबर 19 पे है हम लोग को, एक मिनट, पेज नंबर 19 पे रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो देखिए यहाँ पे है वो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो ये आप लोग को कट कर देना है, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए कट कर लीजिए अभी, ताकि आप लोग को बाद में याद भी रहे, हल्के से पेंसिल से कट कर लीजिए, ज़्यादा पेन अच्छा दिखेगा आप लोग को, मतलब पेन वगैरह से मत यूज़ करिए। फिर पेज नंबर 25 पे आएंगे हम लोग,
तो पेज नंबर 25 पे आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो छोटी सी चीज़ दी है, ये यू शुड नो, ये नहीं पूछेगा आप लोग को। वैसे भी इसमें से क्वेश्चन पूछता नहीं था, लेकिन कभी कभार पूछ लेते थे, तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है पेज लेसन नंबर 3A में। अब आते हैं लेसन नंबर 3B पे। 3B में लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसन है हम लोग का, उसमें तीन चीज़ें नहीं है, 27, 28 और 33, 34 पे। तो पेज नंबर 27 पे आप लोग को ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। 28 पे आपको ये नहीं पूछेगा, यू शुड नो। और पेज नंबर 33, 34 पे है आप लोग को कोई चीज़, वो नहीं पूछेगा एग्जाम में। 33 पेज नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, ये देखिए आपको ये दिया हुआ है, यू शुड नो, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो 33, 34 पे चीज़ें दी हुई है, वो देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा आपके सामने, क्लियर है। ये टोटल 9 चीज़ें दी है, तो ये आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ये 7 पॉइंट यहाँ पे है और 2 पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 3B। 3B के बाद आएंगे हम लोग लेसन नंबर 4 में। लेसन नंबर 4 में पेज नंबर 39 और 43 पे है, तो पेज नंबर 39 पे आते हैं हम लोग, ये रहा आपका पेज नंबर 39। 39 पे क्या बोला जरा देख लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और पेज नंबर 43 पे यू शुड नो। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यहाँ पे है, देख लीजिए आप लोग का, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आप लोग को लेसन में है 3A में, कि क्या क्या चीज़ें डिमांड को डिसाइड करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो वैसी सप्लाई को भी कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन उसके बेस पे नहीं आएगा, इसके बेस पे, हाँ जो मैंने कट कर रहा हूँ, क्लियर है। पेज नंबर 43 पे आएंगे आप लोग, तो एक और चीज़ है, यू शुड नो, पेज नंबर 43 पे होगा छोटा सा, ये आप लोग को नहीं पूछेगा, ठीक है। दादा इतनी चीज़ें नहीं कैंसिल हुई, लेकिन फिर भी आप लोग मार्किंग करके लिखिए, ताकि आप लोग को पता हो कि इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें सिर्फ क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, पेज नंबर 49 पे टाइप्स ऑफ मोनोपोली और यू शुड नो। तो पेज नंबर 49 निकाल लेते हैं हम लोग, ये रहा आप लोग का पेज नंबर 49, तो ये देखिए आपका यू शुड नो है, ये बराबर है। और क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, तो ये आपका कट हो गया, टाइप्स ऑफ मोनोपोली ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया आप लोग का ये टॉपिक। उसके बाद है आप लोग का लेसन 6, इंडेक्स नंबर 53, 54 और 58, 59। तो निकाल लेते हैं हम लोग 53, 58, 53, 54, ये देखिए 53, 54 पे है आप लोग का, यू शुड नो, ये नहीं आएगा आप लोग का, इतना सी चीज़ है छोटी सी, ठीक है। और 58 पे आएंगे हम लोग, तो और एक चीज़ है हम लोग को जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, 58 पे है, 58, 59 पे लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर्स के क्या क्या लिमिटेशन से क्या क्या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम लोग, उसकी कमियाँ क्या क्या है, वो सब हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। तो ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 6। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को फटाफट वीडियो में बता सकूँ, और ये जो PDF है, ये जो मतलब आपका रिड्यूस सिलेबस है, मैंने अच्छे से बनाया है आप लोग के लिए, तो इसका मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, तो आप वो वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ये PDF फॉर्म में, आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके पास वो सेव रहे, साल भर आप लोग उसको कभी भी निकाल के देख सकें, कभी कुछ आप लोग भूल गए तो। फिर आता है हम लोग का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में पेज नंबर 63, 66। तो पेज नंबर 63 पे कुछ चीज़ें हम लोग को रिड्यूस की गई हैं, जिसमें लिखा हुआ है यू शुड नो, क्लियर है। तो 63 पे यू शुड नो यहाँ पे है आप लोग का, कॉन्सेप्ट ऑफ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो आप लोग को रिमूव कर दिया गया है, जो पहले से इसमें साइड में दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद है पेज नंबर 66 पे है आप लोग का, 66 पे भी यू शुड नो के बारे में ही बोला गया है शायद, पेज नंबर 66, यू शुड नो, देखते हैं पेज नंबर 66 पे यू शुड नो नहीं दिया हुआ, एक्चुअली वो पेज नंबर 67 पे चले गए थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्लियर है। चलिए उसके बाद है आप लोग का पेज नंबर 68, 69, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, तो वो लेकर निकाल लेते हैं हम लोग पेज नंबर 68 पे, ये दिख रहा है आप लोग को लास्ट में है, यस, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक इसको
कट कर लेना है, या आपको एग्जाम में इसके बेस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोग को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ये जो मैंने प्रीड्यू सिलेबस का फॉर्मेट ये बना के रखा है, लिख के रखा है, वो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। चलिए आते हैं लेसन नंबर 8 पे, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, उस पे पेज नंबर 72, 74, 78। तो 72 पे आते हैं पहले, पेज नंबर 72 पे आप लोग आ गए हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ पे आप लोग को क्या बोला है, नहीं आने वाला एग्जाम में, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ये जो आप लोग को दिया हुआ है, ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इधर टोटल टोटल 4 पॉइंट है शायद उसमें, हाँ, ए बी सी डी, यहाँ तक ये आपको नहीं पूछेगा। उसके बाद आप लोग का 74 पे यू शुड नो, और 78 पे टाइप्स ऑफ बजट। तो 74 पे आते हैं, 74 पे ये देखिए यू शुड नो यहाँ पे है, तो ये आपको इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा है, यस। और 78 पे आएंगे तो टाइप्स ऑफ बजट। तो 78 पे आते हैं, पेज नंबर 78 ये रहा आप लोग का, यहाँ पे देखो आप लोग को लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ बजट। बजट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब टाइप्स ऑफ बजट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बजट पे आएगा, टाइप्स ऑफ बजट पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ तक इम्पोर्टेंस आएगा। ये हो गया आप लोग का लेसन नंबर 8। फिर आते हैं लेसन नंबर 9 पे, उसमें दो चीज़ें हैं 87 और 90 पे। तो पेज नंबर 87 और 90, 87 पे आते हैं पहले, पेज नंबर 87 ये आ गया आप लोग पेज नंबर 87 पे। क्या चीज़ें देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी, इंडियन मार्केट मनी। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मार्केट मनी ये देखिए यहाँ पे है, पेज नंबर 87 पे, और 88 पे भी उसका कुछ पार्ट है, उसको कट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद और एक चीज़ है 90 पे, प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट। तो प्रॉब्लम्स इन कैपिटल मार्केट पेज नंबर 90 पे, तो यहाँ पे देखिए वो लास्ट में है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट यहाँ तक है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें हम लोग की कम हो गई है, जिससे हम लोग को फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग को ये सब चीज़ें सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये हो गया हम लोग का लेसन नंबर 9। फिर आते हैं लेसन नंबर 10 पे, लास्ट लेसन है शायद, हाँ, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। पेज नंबर 96 पे एक ही चीज़ है, ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड सिंस 2001। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 90 क्या था आप लोग का, 96। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आपको नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, यहाँ तक ये सब चीज़ें भी नहीं आएगी, जितने भी ट्रेंड्स दिया हुआ है सब नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ तक फिनिश। तो ये हो गया आप लोग का क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या क्या सिलेबस आपको रिड्यूस हुआ है, तो मैंने आप लोग के लिए बता दिया। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने बोला था आप लोग को वीडियो में सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या बताऊंगा मैं आप लोग को कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ के आप पूरा पेपर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आता हूँ आपके बुक के इंडेक्स पे आता हूँ, जिसमें आप लोग को पता चले कि कौन कौन से चैप्टर आपके क्या है एकदम इम्पॉर्टेंस है। तो ये आ गया आप लोग का इंडेक्स बुक का, जिसमें आप लोग को मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन से लेसन्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उतना आप पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा पेपर एडम जाएगा। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का पेपर 80 मार्क्स का है ना, लेकिन आप लोग को ऑप्शन के साथ देखेंगे तो लगभग वो 116 मार्क्स का हो जाता है। तो वही वापस से मैं बात बोलूँगा, जैसा मैंने आप लोग को उसी का वीडियो बनाया था तो उसमें भी बताया था कि इंपॉर्टेंस के पीछे मत भागना, उससे बेटर ये है कि आप लोग क्या करो, एक चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ो, तो वो चैप्टर का जितना भी वेटेज का मार्क्स रहेगा वो आपको एकदम ईजिली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरा लेसन पढ़ा है। अगर आपने उसका एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया और वही क्वेश्चन आ गया तो आपका पूरा लेसन पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि एक लेसन पढ़ोगे तो पूरा लेसन पढ़ना, ठीक है। और गारंटी है कि हर लेसन में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर एक लेसन का क्या है पर्टिकुलर वेटेज है। अभी वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने नहीं दी, लेकिन मुझे मेरे एक्सपीरियंस के पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन आप लोग को पढ़ना चाहिए, जिससे आप लोग का पूरा पेपर ऑलमोस्ट अटेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब में पहले आप लोग फर्स्ट लेसन पढ़िए, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड भी पढ़िए, यूटिलिटी एनालिसिस बहुत सिंपल है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन,
आता है बहुत बार सेकंड में से, सेकंड में से ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ए में से आता है। डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़िए आप लोग, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, सप्लाई एनालिसिस अगर आप लोग को छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। उसमें से खाली एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, लॉ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, जैसे डिमांड लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमांड, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई है, तो वो पढ़ लीजिए खाली, बाकी सब छोड़ दीजिए चलेगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़िए, बहुत सिंपल लेसन है और बहुत ईजी लेसन है। और एक दो लेसन बताया, तो आप लोग को इंडेक्स नंबर पढ़िए और एक पढ़ लीजिए नेशनल इनकम। तो कितने हो गए आप लोग के, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 11 लेसन है। 11 में से आप लोग ने अगर ये 7 लेसन पढ़ लिए, जितने में लेसन मैंने 7 आपको बताया है, तो मोस्टली आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। खाली याद रखना कि सप्लाई एनालिसिस में से एक क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लेना, तो मोस्टली चांस है कि आपका पूरा पेपर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर जिसको ऐसा लगता है कि कुछ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ के हो गया तो एक लेसन और पढ़ ले वो, ठीक है ना, जिसका नाम है ये लेसन पढ़ ले, या तो 9th लेसन पढ़ लीजिए, 8th पढ़ लीजिए, या तो 9th पढ़ लीजिए, कोई एक पढ़ लीजिए दोनों में से। ठीक है, तो इतना लेसन अगर आप लोग ने पक्का किया, फ़ायदा क्या होगा इससे आप लोग को, आपके पास कम लेसन रहेंगे तो आप लोग उसको एकदम अच्छे से पक्का कर सकते हो और आपको बर्डन कम आएगा, और बर्डन कम आएगा तो फिर आप लोग को एग्जाम के टाइम पे 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहती है, तो आप लोग एक एक लेसन 2 2 3 3 बार भी रिवाइज कर सकते हो, और फिर साल भर पेपर भी दोगे आप लोग, सेमेस्टर यूनिट टेस्ट, उसमें भी बार बार क्या होगा आपका, वो रिवाइज होगा, तो जितने बार रिवाइज होगा उतना आंसर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, मतलब उसके पॉइंट्स आपको एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली पहली बार लिखते हो तो थोड़ा बोलते हो, लेकिन जब 2 3 बार उसको लिख लिए होते हो, टेस्ट दे दिए होते हो, तो आपको एकदम क्या होता है, वो दिमाग में परफेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन, और ये याद रखना कि जो ऑप्शन चैप्टर छोड़ोगे आप, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। हाँ, नहीं तो मान लो सर ने बोले थे, बोलेंगे कि सर आपने तो बोले थे कि वो ऑप्शनल चैप्टर है, तो ऑप्शनल चैप्टर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऑब्जेक्टिव छोड़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको सब लेसन के पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को जो मैंने मार्किंग किया है वो चैप्टर्स के आप लोग करोगे, तो आप लोग का गारंटी है कि पूरा पेपर क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर जिसके पास टाइम मिलेगा वो क्या करना, उसमें से 8 या 9 लेसन में से कोई एक लेसन और पढ़ लेना, ठीक है, तो इससे क्या होगा आप लोग का पूरा पेपर, 7 में भी अटेम्प्ट हो जाएगा, 7 चैप्टर्स भी आप लोग ने अगर पढ़े ना तो पूरा पेपर अटेम्प्ट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा के लिए आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। फिर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें आप लोग को पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा और स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि आप लोग को क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए कि आप लोग को इकोनॉमिक्स में 95+ स्कोर कर सके आप एकदम अच्छे से। तो वो वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में पोस्ट करने वाला हूँ। PDF की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जो हम लोग ने ये बनाए थे, क्या बोलते हैं, ये चीज़ें आप लोग को जो मैंने लिख के बनाया है, इसकी PDF में आप लोग को लिंक दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आज का टॉपिक डिस्कशन, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, खाली अपने पास मत रखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, उतना ज़्यादा मुझे क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिलेगा, और उतना ज़्यादा मैं वीडियो आप लोग के बना के देते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।